ओके तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि बूटस्ट्रैप 5 को कैसे आप डाउनलोड करते हो और यूज करते हो। सबसे पहले आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे। अच्छा जी, आप गूगल पे सिर्फ लिखेंगे बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप 5, क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन बूटस्ट्रैप 5 है तो इसको हम यूज करने जा रहे हैं। यहां पर आने के बाद आपको यहां डाउनलोड पे करना है क्लिक। अब जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहां पे आपको मिलेगा डाउनलोड का पहला बटन। नीचे आपको डाउनलोड सोर्स भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप इस बटन पे क्लिक करें और इसको डाउनलोड करें। कौन सा क्लियर हो गया? तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक किया और आपको ये यहां पे लेके आएगा और आपको यहां पे आके कंपाइल्ड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि बूटस्ट्रैप जो एक फ्रेमवर्क है वो HTML, CSS और JavaScript से बनाया गया है। तो उसके अंदर जो कोडिंग है पूरी वो भी किसकी लिखी हुई है? HTML, CSS और JavaScript, राइट। अब हम चाहते हैं कि इस फ्रेमवर्क के उस पूरे कोड को डाउनलोड किया जाए और फिर हम इसको यूज करें। ये याद रहे कि बूटस्ट्रैप 5 में jQuery नहीं है, वरना बूटस्ट्रैप 3 और 4 में jQuery की सपोर्ट है। उसके कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट या नेविगेशंस या आपके कैरोसेल जो हैं वो बने होते हैं ना, जैसे स्लाइडर वगैरह, उनमें जेक्यूरी की सपोर्ट थी पहले। बूटस्ट्रैप 5 में इन लोगों ने जेक्यूरी की सपोर्ट नहीं दी, लेकिन मना भी नहीं किया कि जेक्यूरी आप यूज नहीं कर सकते। आप फिर भी जेक्यूरी यूज कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन होता है ना एक पूरा कंपोनेंट जिसमें जेक्यूरी भी यूज की हुई हो, तो वो बूटस्ट्रैप 3 और 4 में था कि बहुत सारे कंपोनेंट जेक्यूरी से, जावास्क्रिप्ट से और HTML, CSS से मिला के बनाए गए। अब किसी कंपोनेंट में आप ऐसा समझो जेक्यूरी का कोड इंक्लूडेड या उसकी सपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इंडिविजुअली हमें अलाव है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया तो हमें ये डाउनलोड यहां पे एक जिप फाइल मिल चुकी है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद बेटा हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देंगे, ये फाइल होगी। तो आपको यहां पे बूटस्ट्रैप 5 का अनजिप फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। इसके अंदर जाएं, आपको इसमें अभी दो फाइल मिलेंगे, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब सीएसएस के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपके बहुत सारे फाइल हैं, लेकिन हमारे काम की फाइल जो है वो कौन सी है? बूटस्ट्रैप मिन डॉट सीएसएस। कौन सी? बूटस्ट्रैप मिन डॉट, ये वाली, या तो थर्ड नंबर या तो फर्स्ट नंबर। यानी जब आप डाउनलोड करते हैं, एक होता है मिनीफाइड वर्जन, एक होता है नॉन मिनीफाइड वर्जन। अब आप कहोगे सर नॉन मिनीफाइड और मिनीफाइड क्या है? तो अगर मैं पहले वाले फाइल को राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करता हूं तो आप इसके अंदर देखें कि ये फाइल कैसा दिखता है। ये एक्चुअल में जब बूटस्ट्रैप लिखा गया तो उसमें सीएसएस की कोडिंग भी लिखी गई है। जैसे हम कोई बटन या कोई समझ लें कोई चीज बनाते हैं तो उसमें सीएसएस अप्लाई करते हैं ना, बूटस्ट्रैप वालों ने भी यही किया हुआ है। ये देखो, ये सारे आपके पास जो शोर है ना, वो क्या है? ये बूटस्ट्रैप की जो चीजें हैं जिसमें सीएसएस यूज किया हुआ है, वो बूटस्ट्रैप के अंदर सीएसएस के दिए गए तकरीबन क्या है, ये सारे हमारे कोड है, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। ये जो हमारे बने हुए ना सीएसएस में, ऐसे वेरिएबल बनाए रहते हैं। कौन सा क्लियर है? ऐसे वेरिएबल बनाए जाते हैं, फिर नीचे इनको कॉल किया जाता है। ये सोडो एलिमेंट है, आफ्टर, बिफोर, ये मीडिया क्वेरीज हमने पढ़ी थी, बॉक्सिंग साइजेस, बॉर्डर बॉक्स, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने, सही है? ये देखिए पूरी की पूरी चीजें वो हैं जो सीएसएस के अंदर, बैकग्राउंड कलर, ये देखो नजर आ रहा है ना। तो पहले हम बटन अपना बनाते थे जिसपे सीएसएस अप्लाई करते, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते। अब बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया, हमारा काम आसान करने के लिए कोडिंग खुद कर दी है और हमें ये कोड दे दिया। कौन सा क्लियर हो गया? अब आप चाहते हैं अगर इसकी कोड में भी चेंजेस करके हम कंपोनेंट अपने मर्जी के हिसाब से मॉडिफाई करें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको ओपन सोर्स कहते हैं कि बूटस्ट्रैप जिस कोडिंग में लिखा गया उसका कोड हमें अवेलेबल, दिख रहा है ना आपको कोड, सही है? तो बूटस्ट्रैप लिखा गया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट और CSS का कोड अवेलेबल है। ये सारे कोड किस पे अप्लाई होंगे? HTML पे, सही है बेटा? हमें ये फाइल चाहिए, लेकिन इसमें देखो स्पेसेस हैं, एंटर लगे हुए, कोड रीडेबिलिटी है ना, क्योंकि ये नॉन मिनीफाइड वर्जन है। कौन सा वर्जन? नॉन मिनीफाइड
वर्जन, इसकी साइज कितनी है 192 KB। अगर बात करते हैं आप मिनीफाइड वर्जन की, ये थर्ड नंबर पे, इसकी साइज कितनी है 153, तो ये छोटा है ना साइज में। अच्छा, अब इसको अगर आप ओपन करते हैं, आप दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो क्या है, एक ही लाइन में पूरा कोड है। कौन सा क्लियर हो गया? इसका मकसद इसमें ना एंटर होंगे, ना स्पेसेस होंगे, ना हमारे कुछ टैब लगे होंगे। यानी आप जो एंटर लगाते हैं, टैब लगाते हैं ना, उससे भी क्या होते हैं, किलोबाइट काउंट होते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? तो इन लोगों ने क्या किया, आपके फाइल को मिनीफाइड या कंप्रेस्ड कम साइज में लाने के लिए एक वर्जन ये भी लिखा, एक वर्जन वो लिखा, जिसमें आप कोडिंग समझ भी सको। अब आप कहेंगे सर कौन सा हमें यूज करना है जब हम अपने वेब पेज में यूज करें, दोनों में से कोई भी। आंसर क्लियर? या तो मिनीफाइड या तो नॉन मिनीफाइड, एक एटलीस्ट इंक्लूड करना है दोनों में से। सही है बेटा? इसी तरह जब जावास्क्रिप्ट में जाते हो तो इसमें भी दोनों में लेंगे। अब यहां पर देखो आपको एक मिलेगा, ये देखिए बूटस्ट्रैप मिन डॉट जेस, ये शो हो रहा है सेकेंड लास्ट, और एक ये पड़ा है आपके पास जो मिनीफाइड नहीं है लेकिन इसमें कोड रीडेबिलिटी होगी। तो बूटस्ट्रैप को लिखा गया सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में, सही है, और ये सारे कोड आपके साथ अवेलेबल हैं जब आप डाउनलोड करते हैं। इन्हीं कोड्स को क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देना। कौन सा क्लियर है बेटा? राइट, अब मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस सेटअप को उठाओ, ये जो हमारा बूटस्ट्रैप का सेटअप है, और जो आप फोल्डर या जिस वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, सपोज मेरा फोल्डर ये है माय साइट, ये साइट है ऑलरेडी इस नाम से है, तो मैं कह देता हूं और फर्स्ट साइट, इसके अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैं सिर्फ रख देता हूं बूटस्ट्रैप, सही है। अब मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, जो भी थर्ड पार्टीज होती है उनको एक अलग ही फोल्डर में रखते हैं जिसका नाम हम वेंडर्स रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा? वेंडर्स, इसके अंदर रख देते हैं। कल को हम फोंटोसम यूज करेंगे, हमारे पास और भी थर्ड पार्टीज होंगी, हम उनको सारों को कहां रखेंगे? वेंडर्स में। कौन से क्लियर? कि मेरी वेबसाइट में जो भी एज अ थर्ड पार्टी सपोर्ट होगी वो सारे अलग से पड़े रहेंगे। कौन से क्लियर हो गया? ठीक है, यानी सेटअप सारे यहां पे पड़े होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे आके मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए, तो इस पे क्लिक करूंगा, CMD एंटर करूंगा। अब ऐसे भी ओपन विद कर सकते हो VS कोड से, और यहां पे आके कोड स्पेस डॉट लगा के एंटर करेंगे तो ये वाला फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन कर देगा। कौन सा क्लियर हो गया? उसके बाद हम चाहते हैं कि जो बूटस्ट्रैप आपने डाउनलोड किया है उसको यूज कैसे करें। ठीक है, डाउनलोड तो कर लिया ना, क्योंकि अभी जो मैं सिखा रहा हूं डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप 5 वो सिखा रहा हूं। यहां पे आके आपने एक फाइल बनानी है, मैं कह देता हूं index.html, जिसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना है। कौन सा क्लियर है? वरना देखिए बूटस्ट्रैप के अंदर सारे जो भी गिवन कोड है ना, उनको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके फाइल दे दें। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं किसी वेब पेज की CSS अलग फाइल में सेव करता हूं तो उस फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है। तो अभी जो बटन है आपके पास, नेविगेशन है, कैरोसेल है, इनके जितने भी कोड हैं उनकी सपोर्ट यहां पे देना लाजमी है ना, या वो फाइल इंक्लूड करना लाजमी है जिसमें कोड किया हुआ है। बूटस्ट्रैप ने वैसे ही कोड किया जो हम करते हैं, लेकिन वो अच्छे में अच्छे डिजाइनर, अच्छे डेवलपर हैं जिन लोगों ने हमसे बेहतर आपके कोड किए। सही है? इस तरह HTML का बेसिक सिंटैक्स, HTML5। अब आपको हेड के अंदर क्या करना है, हेड के अंदर आपको CSS वाली फाइल इंक्लूड करनी है। तो यहां पे आप लिखेंगे लिंक, लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपको रिलेशन स्टाइल शीट, जैसे आपको पता है ना CSS की एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करते हैं ऐसे, और हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या देते हैं, आपके उस फोल्डर का पाथ। तो वेंडर्स के अंदर कौन सा, बूटस्ट्रैप के अंदर CSS, और CSS कौन सा, यहां पे आके मैंने बताया दो है, एक है बूटस्ट्रैप मिन डॉट CSS और एक है बूटस्ट्रैप डॉट CSS, ये श्योर है bootstrap.css और दूसरा कौन सा था, bootstrap min. इन दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। कौन सा क्लियर है? मैं कहूंगा मिनीफाइड वर्जन दे,
क्योंकि वो साइज छोटी है तो वो फास्ट चलेगी वेबसाइट हमारी। कौन सा क्लियर हो गया? अब जावास्क्रिप्ट को हम हेड में रख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे ये है कि बॉडी टैग जहां पे बंद हो रहा है उससे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको वो जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इंक्लूड करनी है। जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए एचटीएमएल का टैग है स्क्रिप्ट, सही है, स्क्रिप्ट में जाना है और यहां पे आके इसकी एक एट्रीब्यूट है सोर्स, पढ़ा था ना सोर्स, एसआरसी लिखना है, याद रहे पेयर टैग है, ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। सोर्स के अंदर बताएंगे कि वेंडर्स के अंदर जाओ, वेंडर्स के अंदर कहां पे पड़ा है, बूटस्ट्रैप के अंदर, अब जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कौन सा क्लियर। और यहां भी क्या है, bootstrap.js, यहां हमने पढ़ा था bootstrap.min.js, याद रहे मेप या लिंक या बंडल इस तरह की चीजें आप इंक्लूड नहीं करोगे अभी के लिए, सही, इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़े तो आप बेशक यू कैन गो विथ बंडल्स एंड ऑल, सही है। अभी हमारी जो नीड है, बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो bootstrap.min.css, bootstrap.min.css और js दोनों अप्लाई करना है। ये करने के बाद हमें टेस्ट करना है कि क्या bootstrap अप्लाई हुआ या नहीं, तो मैं एक बटन बना देता हूं, बटन के अंदर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूं जिसको हम कहते हैं btn, एक क्लास btn है और दूसरी है btn, मैं कर देता हूं डेंजर, कौन सा क्लियर हो गया। अगर इसका कलर रेड हो गया, बटन ढंग से नजर आ गया, इसका मकसद bootstrap हमारा इंक्लूड हो चुका है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये सच में इंक्लूड हो चुका है। यस इट इज इंक्लूडेड, बट हमारे पास बटन का हमने नाम दिया नहीं, तो मैं यहां पे कह देता हूं टेस्टिंग bootstrap 5, सेव दिस और एग्जीक्यूट, हियर वी गो, कौन सा क्लियर है। हम ऐसे bootstrap को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड तरीका है कि हम CDNs के थ्रू कैसे यूज करते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।